सोलन की नौणी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। वहीं उनके साथ महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत, प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल भी बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने 9 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि आज का जमाना ब्रांड का है, हिमाचल भी इस दौड़ में पीछे नहीं है और हिमाचल के किन्नौर के सेब, कांगड़ा की चाय और सिरमौर के फूल, सोलन के मशरूम ने अपने ब्रांड को लेकर एक मुकाम हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर कहा कि आज शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में महिलाएं अपने आप को अव्वल साबित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आज भी उन्होंने शिक्षा में अव्वल रहने वाले 9 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि भारत की बेटियां उच्च शिक्षा के साथ साथ खेलकूद, प्रशासनिक कार्यों से लेकर युद्ध विमानों तक उड़ाने में महारत हासिल कर रही हैं। उन्होंने यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अर्जित की शिक्षा और तकनीक को गांव-गांव के प्रत्येक किसान तक पहुंचाने का भी आग्रह किया। मैं आज इस समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि जब आपके विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से मुझे एक मानद उपाधि देने के लिए पेशकश की गई, मैंने सैद्धांतिक रूप से अपनी असहमति दी, ये कहते हुए कि मैं इस मानद उपाधि के लिए योग्य नहीं हूं। लेकिन इसके पीछे जो आपकी भावना है उसकी मैं हृदय से कदर करता हूं। मुझे बताया गया है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय को एशिया का पहला हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। ब्रांडिंग के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश की बहुत अच्छी साख है। किन्नौर के सेब, कांगड़ा की चाय, सिरमौर के फूल और सोलन के मशरूम देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आज स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या अधिक है और इसका उल्लेख किया गया है कि संख्या के स्तर पर हम जाएं तो 9 स्वर्ण पदक विजेताओं में हमारी 6 बेटियां हैं और संयोग से एक बेटी को 2 गोल्ड मेडल प्राप्त। पूरे देश की आबादी का लगभग 55% कृषि और इससे जुड़ी हुई गतिविधियों में लगा हुआ है। इसीलिए आज किसानों की आय में बढ़ोतरी और ग्रामीण क्षेत्र का विकास देश की प्राथमिकता बन गई है। मैं यहां के प्रत्येक विद्यार्थी और अध्यापक को हिमाचल प्रदेश के और पूरे भारत के किसानों का सुशिक्षित मित्र और सहायक मानता हूं और आप सबकी सहायता के दायरे में आखिरी गांव का आखिरी किसान भी होना चाहिए।